जो ऑटोज आते हैं ना पीछे से वो भर के आते हैं यहाँ पर। अभी मैं हूँ डल गेट में और गए मुझे जाना है यहाँ से, और यहाँ से देखिए गए लद्दाख सोनमर्ग, खीरी भवानी, दाचीगांव, मुगल गार्डन, हजरतबल। अभी मैं चढ़ा हूँ गाड़ी में और मुझे जाना है ट्रेन स्टेशन सोपोर। जो ट्रेन की टाइमिंग है वो है 8:08 में, तो चले गए। गाइज वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। फ्रेंड्स आज मुझे जाना है श्रीनगर और अभी मैं हूँ सोपोर के बाईपास। ये देखिए गाइस आप, यहाँ सोपोर का बाईपास और यहाँ से मुझे लेनी है ट्रेन, और जो ट्रेन की टाइमिंग है यहाँ से वही 8:08 पे। तो चलिए चढ़ते हैं अब ट्रेन में, तो आप सब वीडियो में एंड तक बने रहे, लेट्स गो। पहुंच गया हूँ मैं अब श्रीनगर रेलवे स्टेशन पे और अब मुझे यहीं पे उतरना है और गाड़ी लेनी है, तो चलिए। पहुंच गया हूँ श्रीनगर, तो ट्रेन स्टेशन से यहाँ तक मुझे लगे 1 घंटा और अभी मैं हूँ जहांगीर चौक में, तो यहाँ से लेनी है मुझे अब गाड़ी। तो मैंने सोचा है कि मैं जाऊँगा शंकर आचार्य या जाऊँगा हरी पर्वत, तो देखते हैं कहाँ जाऊँगा। जो गाड़ी मुझे पहले मिलेगी मैं पहले वही जाऊँगा। अब जहांगीर चौक का व्यू और गाइस ऊपर से देखें फ्लाईओवर। अब मुझे लेनी है यहाँ से गाड़ी और यहीं से लेनी है मुझे गाड़ी। मैं यहाँ पे गाड़ी का वेट करता हूँ और मुझे मिलेगी यहीं पे गाड़ी। फ्रेंड्स अभी मैं हूँ डल गेट में और जाना है यहाँ से, और यहाँ से देखिए गाइस ले लद्दाख सोनमर्ग, खीरी भवानी, दाचीगांव, मुगल गार्डन, हजरतबल, यहाँ से मुझे अब जाना है क्योंकि मैं जाऊँगा यहाँ से शंकर आचार्य। तो यहाँ तक मैं आया गाड़ी में सुबह डल गेट के पास, और गाइस आप यहाँ से देखिए इसका मतलब है कि यहाँ से जाएगी जो नाई है वो यहाँ से जाएगी प्रवान से। तो चलिएगा देखिए गाइस ये है डल का व्यू, ये यहाँ पे देखिए गाइस कितने शिकार आए यहाँ पे, और गाइस यहाँ से व्यू देखिए बहुत ही जबरदस्त व्यू। यहाँ पे ना लाइट आती है कैमरा पे इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा। अभी मैं चल रहा हूँ और गाइस यहाँ से ना डल का व्यू बहुत ही जबरदस्त है। फ्रेंड्स मैंने एक गिलास भी लिया है, ये देखिए आप ब्लैक है, मैं इसको लगाऊंगा और आप सब बोले कि कैसा लग रहा है मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ये शानदार नीचे। आप सब बोले कि मुझ पे कैसी लग रही है, मैं ये सब नहीं पहनता हूँ लेकिन टूटना बहुत ज्यादा है और उसकी वजह से मुझे आंखों में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं लूँ इस सनग्लास को। तो चलते बहुत ही ज्यादा भीड़ है गाइस, और यहाँ से मैं आया गाइस, यहाँ से आया मैं अभी और मुझे जाना है आगे, गाड़ी भी मुझे वहाँ पे नहीं मिली तो अब मैं जाऊँगा आगे। आप यहाँ से व्यू देखिए गाइस, यहाँ से ना हवाई आ रही है बहुत ही अच्छी हवाई आ रही है। यहाँ पे इतनी भीड़ है आज कि मुझे यहाँ पे ऑटो भी नहीं मिल रहा है, कि मैं अभी चल रहा हूँ और पीछे भी मैं देखता हूँ कि कहीं पे कोई ऑटो ना आए। गाइस जो मैंने ये सन ग्लासेस की इसमें ना ज़्यादा ब्लैक नज़र आता है, तो मुझे ये पहले उतारना पड़ता है और देखना है कि धूप है या नहीं, मुझे इसमें नहीं पता चलता है कि धूप है या नहीं है। बहुत ही अच्छी है और मुझे नहीं पता है कि मुझ पर अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, तो अभी ऑटो भी नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट हैं, और जो ऑटोज आते हैं ना पीछे से वो भर के आते हैं यहाँ पर। तो मैंने ही सोचा मैं जाऊँगा पैदल थोड़ा आगे और अपने डल का व्यू देखेंगे और इंजॉय करेंगे। तो चलिए शंकराचार्य आज मैं पहली बार जा रहा हूँ, इससे पहले मैं कभी नहीं गया। तो गैस मैं बहुत ही थक गया हूँ, तो पहले पीते हैं पानी, पानी मैंने साथ लाया था, तो चलिए पहले मैं पीता हूँ पानी। तो यहाँ पे मैं बैठूँगा, बहुत ही मज़ा आया अपने पानी पीने में।
क्योंकि जो यहाँ पे 20 रुपए में पानी मिलता है ना उसमें उतना मज़ा नहीं है। थोड़ा गर्म है लेकिन मज़ा ही मज़ा, क्योंकि ये मैंने साथ लाया था। मुझे पता है कि यहाँ पे अच्छा पानी नहीं मिलता है। तो चलिए गाइस, फिर मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि मुझे जाना है एक दो जगह। पानी पी के ना मुझे अंदर राहत ही मिली, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है अब। इससे पहले तो मुझे लगता था कि मैं अंदर से जैसे जल रहा हूँ, लेकिन अब अच्छा फील हो रहा है। A few inches later, राम मंदिर एमजी रोड में। तो फाइनली अब ऑटो में मिला हूँ और मैं अभी ऑटो में हूँ और अभी मैं चल रहा हूँ शंकराचार्य की ओर। उनपर जाना है मुझे, ऐसे है 5-6 किलोमीटर रोड और ऑटो वाले ने मुझे लिए हैं 100 रुपीस।